वेलकम टू माय चैनल नेहा डिजाइन्स और मैं आपकी दोस्त निहाल भी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुंदर सा प्लाजो। ये हमने बनाया है 5 से 6 साल के बच्चे के लिए और इसे बनाने के लिए हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक यूज हुआ है। तो चलिए प्लाजो बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा सर्कल प्लाजो बनाने के लिए ये पीस हमने यहाँ पर लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है लेंथ है हमारी 31 इंच। यहाँ से हमारा 31 इंच है और विड्थ है इसकी हमारे यहाँ से 34 इंच हमारी विड्थ है और सेम मेजरमेंट के दो पीसेस यहाँ पर हमने कट किए हुए हैं और इन दोनों पीसेस को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ से इसको हमने फोल्ड कर दिया है और अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको लेंगे 7.5 इंच पर और यहाँ से भी हम इसको 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने इसको यहाँ से मार्क किया और अब यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 31.5 इंच पर और यहां से भी हम इसको 31.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग की है और अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। सिर्फ पहले देखिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे आसन का, तो यहाँ से हम इसको लेंगे ऊपर, हम ऊपर से बेल्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से हमारा जो आसन होगा वो हम रखेंगे 8.9 इंच पर। इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और अभी जो हमने मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा जो सर्कल प्लाजो है वो हमारा कट हुआ है और इसके बाद अब यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए इसमें ऐड करना है, तो इसको अभी फोल्ड करते हैं और ये जो हमारा साइड से पीस बचा हुआ है हम इसी में से बेल्ट के लिए कट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने जो बेल्ट कट की है इसको नाप लेंगे इस तरीके से और अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा है यहाँ से इसको हम करेंगे कट और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से विड्थ है हमारे यहाँ से 3.5 इंच पर और ये हमें इसमें ऐड करनी है। तो इसको ऐड करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ देखिए हमारा जो आसन है आसन को सिलकर तैयार करेंगे। दोनों साइड से आसन को सिलकर तैयार कर दिया है और अब लेंगे अपनी बेल्ट। ये हमारी बेल्ट है और अब यहाँ से हम इसको मिला लेंगे दोनों साइड से और अब यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए
बेल्ट को हमने सिलकर तैयार कर दिया है और एक साइड पर देखिए ये हमारा नेफा है, इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। और अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसको रखेंगे अब हम राइट साइड की तरफ। अंदर की तरफ हम इसको रखेंगे और देखें यहां से इन तीनों को मिलाते हुए लगाएंगे अब यहाँ पर सिलाई। दो हमारे ये वाले पीस जो हमारी बेल्ट के हैं और एक हमारा प्लाजो का, इसको मिलाते हुए हम यहाँ पर इसके चारों तरफ पर सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमारी जो बेल्ट थी ये हमने अटैच कर दी है और अब इसके बाद ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अब यहाँ पर हम एक पैक गैप में सिलाई चारों तरफ पर। देखिए बेल्ट हमारी बनकर तैयार है और अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे इसको इस तरीके से। अब यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई और सेम तरीके से हम इस साइड भी और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर देंगे। देखिए दोनों साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर दिया है और अब इसके बाद हमारी जो मोहरी है देखिए यहाँ से अब मोहरी को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल नेहा डिज़ाइन पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक।